बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ वो है डाटा ट्रांसमिशन मीडिया। जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने नेटवर्क का टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया हुआ था, उसके अंदर मैंने नेटवर्क और टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स के ऊपर इन डिटेल डिस्कशन की थी, और साथ ही मैंने आपको बताया था कि आगे जो है वो मैं आपको जो है एक टॉपिक डिस्कस करूँगा, नेटवर्क टोपोलॉजीज़। लेकिन नेटवर्क टोपोलॉजीज़ को डिस्कस करने से पहले जो है वो मैंने आपसे दो चार बातें बताई थी कि मैं डाटा ट्रांसमिशन मीडिया या मोड्स इनको आपके साथ डिस्कशन करूंगा, और उसके बाद मैं जो है वो पीयर टू पीयर और क्लाइंट नेटवर्क के ऊपर भी एक जो है वो लेक्चर आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है, डाटा ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, किस मीडिया के थ्रू जो है वो डाटा जो है ट्रांसमिट होता है। इन चीज़ों को आपने इन इन लेक्चर को आपने गौर से सुनना है, ताकि इस लेक्चर की बेस के ऊपर ही जो है हम आगे नेटवर्क टोपोलॉजीज़ जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। आइए तो देखते हैं कि डाटा ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है। व्हाट इज़ अ डाटा कम्युनिकेशन? सबसे पहले हम देखते हैं कि डाटा कम्युनिकेशन होती क्या है। जैसा कि ये नाम से जाहिर है, कम्युनिकेशन डाटा, कम्युनिकेशन के डाटा की कम्युनिकेट करना, डाटा को ट्रांसफ़र या एक्सचेंज करना, ठीक है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन की एक्सचेंजिंग को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे भी इसके डेफिनेशन के अंदर अगर देखें तो मैंने यहाँ पे लिखा है डाटा कम्युनिकेशन आर द एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन टू डिवाइसेस वाया सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम विच मे बी वायर्ड और अनवायर्ड। अब दो डिवाइसेस के दरमियान, दो आप ऐसे कह लेंगे दो बंदों के दरमियान जब भी हम कोई कम्युनिकेशन करेंगे, कोई इन्फॉर्मेशन की एक्सचेंज करेंगे, उसे हम डाटा कहेंगे। अब यहाँ पे दो डिवाइसेस के दरमियान, जैसे कि नीचे मैंने फिगर के अंदर दिया हुआ है, एक सेंडर और एक रिसीवर, सेंडर और रिसीवर के दरमियान जितनी भी कम्युनिकेशन होगी, डाटा की एक्सचेंजिंग होगी, उसे हम क्या कहेंगे? डाटा कम्युनिकेशन कहेंगे। हाँ, अब ये डाटा कम्युनिकेशन क्या होगी? इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है। ये ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू होगी। वो क्या हो सकता है? वो वायर्ड भी हो सकता है और अनवायर्ड भी हो सकता है। मतलब कोई इसके अंदर जो है वो मीडिया वायरलेस भी हो सकता है और जो है कुछ वायर्ड भी हो सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि ये वायर्ड और अनवायर्ड जो है वो मीडिया कौन कौन से होते हैं। For data communication to occur, the communicating devices must be a part of communication system made up of some hardware and a software component. Data की communication कब possible होगी? जब तक communication उस वक्त तक occur नहीं होगी जब तक devices जो है वो एक दूसरे के साथ उस communication system का हिस्सा नहीं बनेगी। अब वो सिस्टम का हिस्सा जो है वो कम्बिनेशन ऑफ या मेड अप ऑफ हार्डवेयर भी हो सकते हैं और सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों के कम्बिनेशन से हमारा एक जो है वो कम्युनिकेशन मीडियम हो सकता है। अब कम्युनिकेशन मीडियम क्या होता है, आइए इसके ऊपर हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन, अभी तक यहाँ तक आपको जो है वो डाटा कम्युनिकेशन क्लियर हो गया कि डाटा की कम्युनिकेशन होती क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपोनेंट्स कौन कौन से ज़रूरत पड़ेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए। साफ ज़ाहिर है, एक हमें जो है वो मैसेज की ज़रूरत पड़ेगी, जो हम कम्युनिकेट कर रहे होंगे, जो जो हमने इन्फॉर्मेशन होगी, जो हमारा डाटा होगा वो मैसेज होगा। उसके बाद सेंडर का होना लाजमी है कि कौन भेज रहा है। उसके बाद प्रोटोकॉल्स, मतलब उस डाटा के ऊपर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो लगाए जाएंगे। प्रोटोकॉल्स का यहाँ पे मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस है। उसके बाद ट्रांसमिशन मीडिया, कि कौन से ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू जो है वो डाटा को भेजा जा रहा है। उसके बाद रिसीवर आ जाए कि उसने उसको रिसीव कर लिया। यहाँ पे आपको मैसेज का मतलब डाटा हो गया, सेंडर को भेजने वाला हो गया, रिसीवर रिसीव करने वाला, प्रोटोकॉल जो है वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। अभी मैं प्रोटोकॉल्स के ऊपर बात नहीं करूँगा क्योंकि ये इन डीप जाने वाली बात है। तो अभी जो है वो मैं ट्रांसमिशन मीडिया के ऊपर बात करूँगा। व्हाट इज़ अ ट्रांसमिशन मीडिया? ट्रांसमिशन मीडिया इन डाटा कम्युनिकेशन रेफर्स टू द पाथवे दैट कैरीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। अब ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? वो डाटा कम्युनिकेशन के अंदर एक पाथवे होता है जिस जो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को कैरी करता है और सेंडर से लेकर रिसीवर तक पहुंचाता है, ठीक है। अब वो पाथवे
ठीक है, जिस पाथ के थ्रू, जिस वे के, जिस रास्ते के थ्रू जो है, या जिस तरीकाकार से डाटा ट्रांसमिट होगा, उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसमिशन मीडिया कहेंगे। तब ट्रांसमिशन मीडिया इज यूजुअली फ्री स्पेस, वो कोई एक यूजुअली फ्री फ्री स्पेस हो सकती है। मतलब मैंने कहा कि वायरलेसली हम डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, तो उसके लिए कोई फ्री स्पेस होगी। या अगर हम वायर्ड एनवायरनमेंट इस्तेमाल यूज़ करें, तो उसके अंदर कोई मेटेलिक केबल्स होंगी, कोई फाइबर ऑप्टिक केबल इस्तेमाल होगी, विच इज़ यूज टू ट्रांसमिट डाटा ओवर प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत में या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की सूरत में जो है वो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने में हमें सहूलत प्रोवाइड करेगी। क्लासेस ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, क्लासेस अगर हम इसके अंदर देखें तो कम्युनिकेशन मीडिया की दो क्लासेस होती हैं। एक वायर्ड होती हैं जिन्हें हम गाइडेड मीडिया बोलते हैं, एक वायरलेस होती हैं जिन्हें हम अनगाइडेड मीडिया बोलते हैं। अब ये वायर्ड या गाइडेड या हम इसे बाउंडेड मीडिया भी बोलते हैं, उसके अंदर मजीद तीन हैं। एक ट्विस्टेड पेयर है, एक क्विक्सिल केबल है, थर्ड फाइबर ऑप्टिक केबल है। वायरलेस या अनगाइडेड या अनबाउंडेड मीडिया क्या है? उसके अंदर रेडियो वेव्स आती हैं, माइक्रोवेव्स आती हैं और इंफ्रारेड आती हैं। आइए इनको हम वन बाई वन देख लेते हैं ये क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले गाइडेड मीडिया, गाइडेड मीडिया या मैंने आपको कहा कि इसे हम क्या कहेंगे, वायर्ड मीडिया कहेंगे, या हम इसे गाइडेड को बाउंडेड मीडिया भी कहेंगे। बाउंडेड मीडिया, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, बाउंडेड मीन बाउंड्री, इसकी कोई ना कोई बाउंडेड बाउंड्री होगी। अब ये होता क्या है गाइडेड मीडिया, इसे हम फिजिकल मीडिया भी बुलाते होते हैं, सही है। अब इसका नाम वायर मीडिया भी हो गया, इसका नाम गाइडेड मीडिया भी हो गया, इसका नाम बाउंडेड मीडिया भी हो गया, इसका नाम फिजिकल मीडिया भी हो गया। अब इसके अंदर होती क्या चीज़ है? गाइडेड मीडिया ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिकल पल्सेस फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर बाय मीन ऑफ कनेक्टेड कंडक्टर बिटवीन देम। अब गाइडेड मीडिया जो है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है इलेक्ट्रिकल पल्सेस के थ्रू हमारा जो डाटा होता है, हमारा जो इंफॉर्मेशन होती है, उसको क्या करता है वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस को किसी भी कंडक्टर के ऊपर जो है उसको ट्रांसमिट कराता है सेंडर से रिसीवर तक। ठीक है, हमारा जो है वो मैसेज या हमारा डाटा बाहिफाजत वहाँ तक रिसीवर तक छोड़ता है। देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, इसके दरमियान जो है वो सेंडर और रिसीवर के दरमियान डायरेक्ट कनेक्शन होता है, जिसके थ्रू वो क्या करता है डाटा को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करता है। और ये तीन किस्म में होता है, एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म्स। ठीक है, पहली जो होती है वो ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती हैं, दूसरी क्विक्सिल केबल केबल्स होती हैं, और थर्ड नंबर के ऊपर जो है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये ट्विस्टेड पेयर केबल्स क्या होती हैं। ट्विस्टेड पेयर जो होती हैं, इट कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर। ठीक है, ये दो कंडक्टर केबल्स के ऊपर मुश्तमिल होती हैं, ईच विद इट्स ऑन प्लास्टिक इंसुलेशन, हर एक की अपनी प्लास्टिक इंसुलेशन होती है। हाँ, और ये ट्विस्टेड टुगेदर, एक दूसरे के साथ ये ट्विस्ट हुई हुई होती हैं, इसलिए हम इनको ट्विस्टेड पेयर केबल्स कहते हैं। जैसा कि आपको फिगर के अंदर नज़र आ रहा है कि दो केबल्स हैं और ये आपस में ट्विस्ट हुई हैं। ठीक है, आउटर इंसुलेशन और पीवीसी, ये जो आपको ब्लू कलर की नज़र आ रही है, और आगे यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारे पास सॉलिड कॉपर कंडक्टर है, इसके ऊपर जो है वो आउटर इंसुलेटेड जो है वो क्या है, पीवीसी लगाई हुई है इन्होंने। वन ऑफ द वायर इज यूजुअली टू कैरी सिग्नल्स टू द रिसीवर एंड द अदर यूज टू ऑनली एज अ ग्राउंड रेफरेंस, द रिसीवर यूज द डिफरेंस बिटवीन टू। अब इन ये ट्विस्टेड पेयर केबल्स जो होती हैं, ये क्या कर रही होती हैं, यूजुअली इनके अंदर जो है वो एक केबल जो होती है वो डाटा को रिसीव सिग्नल्स को कैरी करके जो है वो रिसीवर तक जा रही होती है, और दूसरी जो होती है उसको ग्राउंड रेफरेंस के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अर्थिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर आप ट्विस्टेड पेयर केबल्स जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ट्विस्टेड पेयर केबल्स जो हैं वो इसके क्या प्रॉज एंड कॉन्स होंगे वो हम अभी देखते हैं। इसके जो प्रॉज एंड कॉन्स हैं, इट इज़ चीप। ठीक है, एक तो ये चीप है, सस्ती है, इजी टू इंस्टॉल एंड मेंटेन, इसको इंस्टॉल और मेंटेन करना बहुत ज़्यादा आसान है।
और उसके बाद कैन पास वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, इसके अंदर जो है वो हम वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को पास करवा सकते हैं, बहुत जितनी ज़्यादा हम डाटा को ट्रैवल कराना चाहें इसके अंदर ट्रैवल करवा सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है, लो डाटा रेट। इसकी जो डाटा रेट है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह डाटा को ट्रांसफ़र करने की जो लिमिट है, लिमिट से मुराद कि इसकी जो स्पीड है वो लो रेट के अंदर है। फ्रीक्वेंसी तो इसकी बहुत ज़्यादा है, आप जितना डाटा इसके अंदर डालना चाहें डाल सकते हैं, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो कम है। और दूसरा, ये काम जो है वो शॉर्ट रेंज के ऊपर काम करती है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। 100 मीटर्स तक जो है ये बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, इससे ज़्यादा के उसके ऊपर जो है वो ये अपना एफिशिएंसी जो है इसकी कम होती जाएगी। थर्ड इसका जो डिसएडवांटेज है, हायर द फ्रीक्वेंसीज मोर द अटेनुएशन, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसके अंदर जाती जाएगी अटेनुएशन जो है वो उसके अंदर ज़्यादा आती जाएगी। अटेनुएशन से मुराद है इसके अंदर एरर्स जो हैं, ठीक है, डाटा के डिस्टॉर्शन जो है जितनी ज़्यादा, मतलब इसको हम ये देखेंगे कि इसको हम बिजली की तारों के ऊपर से ना गुजारें, इस तरह की इसकी जो है वो सेफ्टी मेजर्स बहुत ज़्यादा देखने पड़ते हैं। बिजली की तारों से गुजारेंगे या जहाँ किसी और टेलीफोन लाइन के साथ गुजारेंगे तो ये वहाँ पर डिस्टॉर्शन पैदा करेगी, अटानुएशन होगी, आपका डाटा जो है वो अपनी असल हालत में नहीं रहेगा, वो उसको चेंज कर जाएगा अपनी हैयत को, उसके अंदर जो है वो चीज़ें रद्दोबदल का शिकार हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशंस इसकी क्या होती हैं, इट इज़ यूज्ड इन टेलीफोन लाइन टू प्रोवाइड वॉइस एंड डाटा चैनल्स, ठीक है। ये इसको हम जो है वो एक तो टेलीफोन लाइन के अंदर इस्तेमाल करते हैं वॉइस को जो है वो ट्रांसमिट कराने के लिए, और दूसरा जो है वो ट्विस्टेड पेयर केबल जो होते हैं, इट यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क वेयर डाटा ट्रांसमिशन रेट इज़ लो। अब ये कहाँ पे, लोकल एरिया लैन नेटवर्क जो हमने लास्ट वीडियोज़ के अंदर डिस्कस किया था। ट्विस्टेड पेयर केबल्स जो हैं फिजिकली जो है वो लैन केबल्स को कनेक्ट कराने के लिए, जहाँ पे हमारा डाटा ट्रांसमिशन रेट लो होता है वहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद है जी क्विक्सल केबल। क्विक्सल केबल जो हैज़ अ सेंट्रल कोर कंडक्टर ऑफ सॉलिड इनक्लोज्ड इन अ इंसुलेटिंग शीट विच इन टर्न इनकेस्ड इन अ आउटर कंडक्टिंग मेटल फॉयल ब्रेड और अ कम्बिनेशन ऑफ अ बोथ एज शोन इन द फिगर। अब जो क्विक्सल केबल होती हैं ये आम तौर पे जो घरों के अंदर केबल के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तारें होती हैं उसको हम क्विक्सल केबल बोलते हैं। एक तो ये ऊपर, इसके ऊपर ब्लैक कलर का आउटर रैपर होता है इसका, उसके अंदर जो है वो ब्रेडेड शील्ड होती है जो जाली नुमा बनी हुई होती है, ठीक है। और उसके बाद जो है उसका डाई इलेक्ट्रिक आइसोलेशन एक उसके ऊपर चढ़ी हुई होती है, ठीक है, फॉयल शील्ड उसके ऊपर होती है। और उस इन इन लेयर्स के 1 to 4 लेयर्स के बाद, आउटर रैपर के बाद ब्रेडेड शील्ड होगी, उसके बाद फॉयल शील्ड होगी, फॉयल शील्ड के बाद डाई इलेक्ट्रिक आइसोलेशन होगा, इन 4 तहों के बाद इसका जो है वो मेन कंडक्टर होता है। अब मेन कंडक्टर जो है वो क्या कर रहा होता है, यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर रहा होता है। एक्चुअली जो है ये सारी तहें इसलिए लगाई जाती हैं, जिस तरह हमने देखा था कि ट्विस्टेड पेयर केबल्स के अंदर मैंने आपको बताया कि ये कहीं पे हम इसे बिजली वाली तारों से दूर रखेंगे, हम टेलीफोन लाइन से दूर रखेंगे, डाटा की अटेनुएशन ना हो, तो इन चीज़ों से बचने के लिए इन्होंने क्विक्सल केबल को क्या कर दिया, इन 4 जो है लेवल्स के अंदर रैपिंग कर दी। अब इसके प्रॉस कॉन्स क्या होते हैं, एक तो द आउटर मेटेलिक रैपिंग सर्व्स बोथ एज अ शील्ड अगेंस्ट नॉइज एज अ सेकेंड कंडक्टर विच कम्प्लीट द सर्किट। वही बात आ गई कि जो इसका मेटेलिक रैपिंग होती है ऊपर, वो क्या करती है, वो शील्ड अगेंस्ट द नॉइज, नॉइज से उसकी डिस्टॉर्शन से जो है उसको बचाती है, कि उसका जो सेकंड जो कंडक्टर है वो क्या करता है, अपने सर्किट को कंप्लीट करता है और डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह बगैर किसी उसके जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है, बगैर किसी अटेनुएशन के, बगैर किसी डिस्टॉर्शन के। क्विक्सल केबल आर द कैटेगराइज बाय द रेडियो गवर्नमेंट RG, जैसे हम कहते हैं RG, ये रेडियो गवर्नमेंट होती है रेटिंग्स। रेडियो गवर्नमेंट रेटिंग्स ने जो है इसको कैटेगराइज किया है विच डिनोट एज अ यूनिक सेट ऑफ फिजिकल स्पेसिफिकेशन, जो थिकनेस या इसकी इंसुलेशन या कंस्ट्रक्शन या शील्ड मटेरियल की वजह से हमने इसको क्या क्या हुआ है कैटेगराइज किया हुआ है। कैटेगरी एक ये RG59 होती है, एक RJ58 होती है, एक RG11 होती है। अब जो RG59 होती है ये 75 ओम की होती है,
RJ58 जो है वो 50 ohms की होती है, RJ11 50 ohms की होती है, और जो RJ59 है उसको हम केबल टीवी के लिए इस्तेमाल करते हैं, RJ58 जो है वो थिन ईथरनेट के लिए, और RJ11 थिक ईथरनेट के लिए इस्तेमाल होती है। इसके प्रॉस कॉन्स क्या हैं? इसके प्रॉस कॉन्स ये हैं कि हाँ, एक तो इसके एडवांटेजेस ये हैं कि हाई बैंडविड्थ कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर। टीपी का मतलब यहाँ पे ट्विस्टेड पेयर है। अब इसकी जो बैंडविड्थ है वो कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल से ज़रा ज़्यादा है। हाई डाटा रेट कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर, उससे इसका डाटा रेट भी बहुत ज़्यादा है। इसको इजी टू इंस्टॉल एंड मेंटेन, इसको इजीली हम इंस्टॉल और मेंटेन कर सकते हैं। इजी टू एक्सपेंड, इसको हम बड़े लेवल के ऊपर भी एक्सपेंड कर सकते हैं। अब इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो एक तो यह है कि सिंगल फेलियर कैन टेक डाउन द इंटायर नेटवर्क। अगर एक जगह पे भी आपके जो है वो फेलियर आ गया तो आपका पूरे का पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। और थर्ड नंबर के कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस इज हाई एज कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर की नस्बत जो है ये थोड़ी सी इसकी कॉस्ट जो है वो इंस्टॉलेशन की और मेंटेनेंस की हाई है, ज़्यादा है। इस्तेमाल कहाँ पे होती है, इसकी एप्लीकेशंस कहाँ पे होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यूज इन द एनालॉग टेलीफोन नेटवर्क वेयर वन इज केबल यूज टू कैरी हंड्रेड ऑफ सिग्नल। एक तो ये एनालॉग टेलीफोन नेटवर्क मतलब जो घरों के अंदर हम आमतौर पे कम्युनिकेशन के लिए जो है वो बनाते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जो कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाते हैं वहाँ पे इस्तेमाल होता है। दूसरा यूज्ड बाय केबल टीवी नेटवर्क, केबल टीवी नेटवर्क इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इज इन ट्रेडिशनल ईथरनेट लैन बिकॉज ऑफ हाई बैंडविड्थ एंड द कंसीक्वेंटली हाई डाटा रेट। इसको हम ट्रेडिशनल ईथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क, इसे भी हम लैन के अंदर इस्तेमाल करते हैं ट्रेडिशनल कहीं कहीं पे, लेकिन कहाँ पे, जहाँ पे हमें डाटा रेट हाई जो है वो ज़रूरत होता है वहाँ पे हम इसको ज़रा इस्तेमाल कर लेते हैं। थर्ड नंबर के ऊपर है फाइबर ऑप्टिक केबल्स। फाइबर ऑप्टिक केबल इज़ मेड ऑफ ग्लास एंड ट्रांसमिट सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक है। अभी तक जो है वो सबसे ज़्यादा डाटा की जो ट्रांसमिशन का रेट है वो इसी फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर है। फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो एक ग्लास, थिन ग्लास मटेरियल की बनी होती है। इसके अंदर डाटा जो है वो स्पीड, रोशनी की स्पीड, लाइट स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, उसकी रफ्तार से डाटा ट्रेवल करता है। अभी तक जो है वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट जो है हमारे पास और एक्यूरेट एफिशिएंट जो है डाटा इसी के अंदर इन द स्पीड ऑफ लाइट के अंदर जो है वो ट्रेवल कर रहा होता है। तो यही फाइबर ऑप्टिक केबल है जो हमें बहुत अच्छी जो है वो एफिशिएंसी प्रोवाइड कर रही है गाइडेड मीडिया के अंदर। ऑप्टिकल फाइबर यूज्ड रिफ्लेक्शन टू गाइड द लाइट थ्रू आ चैनल। ये रिफ्लेक्शन के थ्रू इसके अंदर जो है वो आर्किटेक्चर इस्तेमाल करके डाटा को ट्रेवल कराया गया है। अ ग्लास कोर इज सराउंडेड बाय अ क्लैडिंग ऑफ लेस डेंस ग्लास ऑफ अ प्लास्टिक एज शोन बिलो। अब यहाँ पे जैसा कि आपको फिगर के अंदर बताया गया है, इसका जो है वो कोर जो ग्लास है उसके ऊपर जो है हमें एक क्लैडिंग जो है वो एक तह या हम इसकी लेवल या इंसुलेशन कह लें वो लगाई गई है, और उसको जो थिन ग्लास का मटेरियल है उसको महफूज किया गया है इसके अंदर, और उस ग्लास के अंदर जो है वो रिफ्लेक्शन आर्किटेक्चर को इस्तेमाल करके डाटा या सिग्नल्स को जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को जो है वो ट्रांसमिट कराया गया है। द डिफरेंस बिटवीन द डेंसिटी ऑफ टू लेयर इज साइज एंड द बीम ऑफ लाइट इन द कोर इज रिफ्लेक्टेड ऑफ द क्लैडिंग इंस्टेड ऑफ बीइंग रिफ्रेक्टेड। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये जो भी इसके अंदर फिनोमेना इस्तेमाल किया गया है कि मतलब क्लैडिंग जो है वो उसकी कोर तह से अंदर जो है वो ऊपर या नीचे उसके दरमियान के अंदर कोर जो उसकी बनाई गई है वो एक थिन ग्लास की बनाई गई है, और ये जो भी फिनोमेना इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, कि लाइट को जो है हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन को इस्तेमाल करते हैं हम, लाइट जो है वो लाइट के थ्रू सिग्नल्स को ट्रेवल कराएंगे, तो उस फिनोमेना को हमने कह दिया कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। अब फाइबर ऑप्टिक केबल जो हैं वो कंकरेंट टेक्नोलॉजी प्रोवाइडेड टू मोड्स ऑफ प्रोपोगेशन लाइट अलॉन्ग ऑप्टिकल चैनल, ईच रिक्वायर फाइबर विच डिफरेंट फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स।
अब जो करंट टेक्नोलॉजी है, मैंने जैसा कि आपको बताया कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी है इस फाइबर ऑप्टिक केबल की। इसकी प्रोपगेशन जो है वो दो मोड्स के अंदर जो है ऑप्टिकल चैनल्स के हमें दी गई है। तो एक तो इसकी जो तमाम फिज़िकल जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा हैं इसकी, ठीक है। और इसके अंदर डाटा जो है बहुत ज़्यादा एफिशिएंट मैनर्स के अंदर ट्रैवल कर रहा होता है, और बहुत ज़्यादा स्पीड जो है इसकी हमें मिल रही होती है। मल्टी मोड फाइबर अलाउज मल्टीपल बीम ऑफ लाइट, ठीक है, मल्टी मूव थ्रू द कोर इन द डिफरेंट पाथ। दूसरे नंबर पे मल्टी मोड फाइबर जनरली हैव द वाइडर कोर डायमीटर फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन लिंक। थर्ड नंबर पे सिंगल मोड फाइबर लिमिट्स द बीम स्मॉल रेंज ऑफ एनालॉग टू अ सिंगल मोड फाइबर आर यूज द मोस्ट कम्युनिकेशन लिंक्स लॉन्गर देन द 100 मीटर्स। अब दो मोड्स या दो प्रोपोगेशन इस्तेमाल किए गए हैं, एक मल्टी मोड बनाया गया और दूसरा सिंगल मोड बनाया गया। मल्टी मोड के अंदर एक से ज़्यादा जो है वो पेयर बनाए जाते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल के, ठीक है, जिनके थ्रू जो है वो बहुत मल्टीपल बीम्स जो है वो जनरेट की जाती हैं और डाटा जो है उसको हाई लेवल के ऊपर ट्रांसमिट किया जाता है। और उसकी निस्बत जो है अगर स्मॉल रेंज हमारे कहीं पे इस्तेमाल हो रही हो, थोड़े लेवल के ऊपर हम डाटा ट्रांसमिट करना हो लेकिन डाटा की स्पीड और एफिशिएंसी अच्छी हो, तो वहाँ पे हम सिंगल मोड जो है उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसका यहाँ पे जो प्रोपोगेशन है वो यहाँ पे इसकी यही है कि फिजिकल मीटिंग डिफरेंट फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स इसके दो प्रोपोगेशंस के ये हैं कि एक तो उसका मल्टी मोड बनाया गया है, दूसरा उसका सिंगल मोड। मल्टी मोड कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, बड़े बड़े लेवल्स के ऊपर, बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, जिस तरह हमारे पास ये नेटवर्क्स हैं जो जिनके थ्रू हम ये जैज इंटरनेट कनेक्शन जो हमें प्रोवाइड हो रहा होता है, या हमारे पास जो वारद का इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड हो रहा होता है, तो इस तरह की जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो जो हमें डाटा रेट जो है, जिस तरह PTCL की एक कंपनी जो हमें ब्रॉडबैंड दे रही होती है हाई हाई लेवल 4 MB, 8 MB, 10 MB, 12 MB के साथ जो हमें कनेक्शन मिल रहे होते हैं, वो मल्टी मोड फाइबर इस्तेमाल कर रहे होते हैं ताकि उसके अंदर जो है वो डाटा हाई रेट के अंदर और इन और स्पीड के साथ जो है वो मूव हो, ठीक है। और जहाँ पे सिंगल मोड इस्तेमाल हो रहे हैं तो वहाँ पे स्मॉल रेंज के लिए सिंगल मोड इस्तेमाल किए जाते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल के। इसके प्रॉस कॉन्स एडवांटेजेस इसके ये हैं कि हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन, लीस्ट अटेन्यूएशन बाय नॉइज़, नॉइज़ की वजह से इसके अंदर अटेन्यूएशन बहुत कम होती है, ठीक है, डिस्टॉर्शन बहुत कम लेवल के बढ़ती है, हाई कैपेसिटी ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, और इसके अंदर जो है डाटा की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि मोस्ट एक्सपेंसिव मीडियम, ये बहुत ज़्यादा महंगा जो है वो मीडियम है। इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस इज़ हार्ड एंड रिक्वायर्ड स्किल्ड वर्कर। इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस जो है वो इसकी बहुत ज़्यादा हाई है और इसके अंदर हमें हार्ड स्किल्ड वर्कर जो है वो ज़रूरत पड़ते हैं। एप्लीकेशंस प्रोवाइड द बैकबोन इन द ट्रांसमिशन मीडिया फॉर द वेरियस कंपनीज बिकॉज ऑफ इट्स वाइड बैंडविड्थ इज कॉस्ट इफेक्टिव। जैसे कि मैंने आपको कहा, इसको बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो हाई डाटा रेट के लिए इस्तेमाल करती हैं, तो ये ट्रांसमिशन मीडिया बैकबोन के तौर पे माना जाता है बिटवीन द वेरियस कंपनीज जिनको वाइड बैंडविड्थ चाहिए होती है। सम टी वी कंपनीज यूज कम्बिनेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर एंड कोएक्सियल केबल दस क्रिएटिंग अ हाइब्रिड नेटवर्क। और कुछ कंपनीज आजकल जो हैं वो कह रही होती हैं कि हम आपको फाइबर ऑप्टिक दे रहे हैं लेकिन वो क्विक्सल और फाइबर का जो है वो हाइब्रिड एक नेटवर्क बना के आपको जो है वो अच्छी HD वाली चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उसके ऊपर ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। अब उसके बाद है अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया जो है वो क्या है हमारे पास, इसे हम अनबाउंडेड मीडिया भी कह सकते हैं, अनगाइडेड मीडिया भी कह सकते हैं, या इसे हम वायरलेस मीडिया भी कह सकते हैं। अब ये क्या होते हैं, अनगाइडेड मीडिया ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को डील कर रहा था, ये वेव्स को डील कर रहा है विदाउट यूजिंग अ फिजिकल कंडक्टर। अब यहाँ पे कोई भी फिजिकल कंडक्टर इस्तेमाल नहीं होगा एंड आर नॉर्मली ब्रॉडकास्ट थ्रू द फ्री स्पेस। और नॉर्मली जो है इस डाटा को ट्रांसमिट कैसे किया जाता है, हमारी जो एयर के अंदर जो फ्री स्पेस होती है उसके अंदर इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्वेंसी जो है वो हम क्या करते हैं, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। अब इसकी जो प्रोपगेशन मेथड्स हैं,
ठीक है, जैसा अभी हम फाइबर ऑप्टिक के अंदर देख रहे थे वो टूथ है, यहाँ पे जो है वो अनगाइडेड मीडिया को प्रोपोगेट करने के लिए, फैलाने के लिए तीन मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तो ग्राउंड प्रोपोगेशन होती है जो 2 MHz से कम कम इस्तेमाल होती है। आप 2 से 30 MHz के लिए जो होती है उसे हम स्काई प्रोपोगेशन बोलते हैं। आप जो 30 MHz से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जहाँ पे इस्तेमाल की जाती है तो उसे हम लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन बोलते हैं। इन डीप इनके ऊपर जो है वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये तो प्योर फिर कंप्यूटर साइंस के अंदर आ जाती है। आपको बस यही पता होना चाहिए कि तीन किस्म की जो है अनगाइडेड मीडिया के अंदर प्रोपगेशंस होती हैं। एक ग्राउंड प्रोपगेशन होती है जो 2 MHz से कम के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो 2 से 30 MHz के लिए इस्तेमाल की जाती है तो उसे हम स्काई प्रोपगेशन बोलते हैं। और उसके बाद लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन का भी इस्तेमाल की जाती है जब 30 MHz से ज़्यादा का डाटा हमें जो है वो ट्रांसमिट करना हो। सबसे पहले रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स जो होते हैं ये फ्रीक्वेंसी होती हैं, ठीक है, बिटवीन द 3 KHz एंड 1 GHz। 3 KHz से लेके 1 GHz के अंदर जो है हम इसको रेडियो वेव्स के इस्तेमाल करते हैं। रेडियो वेव्स जो होते हैं फॉर द मोस्ट पार्ट और ओमनी डायरेक्शनल। इसका मोस्ट पार्ट जो होता है ये ओमनी डायरेक्शनल होते हैं। ओमनी डायरेक्शनल से मुराद ये कि ये सर्कल के अंदर, ठीक है, पूरा हमारा जो है वो 360 का जो एंगल होता है उसको कवर कर रही होती है। सही, व्हेन अ एंटीना ट्रांसमिट अ रेडियो सिग्नल दे प्रोपोगेट इन ऑल डायरेक्शंस, इसलिए हम इसे ओमनी डायरेक्शन कहते हैं कि जब एंटीना इसका सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा होता है तो वो ऑल डायरेक्शन के अंदर, पूरा राउंड के अंदर हमें हर जगह जो है वो अपने सिग्नल्स जो है वो ट्रांसमिट कर रहा होता है। इसके एडवांटेज जो है कि सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीना नीड नॉट टू बी अलाइंड, ठीक है, सेंडिंग और रिसीविंग के लिए इसका जो है हमें ये बेनिफिट होता है, एडवांटेज जो क्या होता है कि इसके एंटीना को अलाइन नहीं करना पड़ता। और इसका जो डिसएडवांटेज है इंटरफेस बिटवीन सिग्नल फ्रॉम डिफरेंट एंटीना, इसका जो इंटरफेस होता है वो डिफरेंट होता है एंटीना से रिसीविंग के दौरान, ठीक है। ये रेडियो वेव्स होते हैं, मोस्टली रेडियो वेव्स को जो है वो डाटा को भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनसे बहुत कम ही जो है वो डाटा को अपना बैक डाटा इसके थ्रू कम ही आता है। मोस्टली ये सेंडर और रिसीवर के दरमियान, सेंडर जो होता है वो सिर्फ हमें डाटा जो है वो ट्रांसमिट ही कर रहा होता है, रिसीवर आगे फिर उसको डाटा को रिसीव कर रहा होता है। ये ओमनी डायरेक्शनल होते हैं। उसके बाद माइक्रोवेव्स होती हैं। माइक्रोवेव्स जो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रीक्वेंसी होती हैं। ये जो होती हैं 1 GHz से लेके 300 GHz के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं। और ये जो होती हैं ये यूनिडायरेक्शनल होती हैं। इनका एडवांटेज ये होता है कि इंटरफेस जो होता है वो इसका मिनिमाइज्ड होता है, डिसएडवांटेज इसके बहुत ज़्यादा होते हैं। इट इज़ अ लॉस प्रोपगेशन, दस टावर माउंटेड विद एंटीना नीडेड टू बी एन डायरेक्ट साइट ऑफ ईच अदर, ठीक है। VHF माइक्रोवेव कैन नॉट पेनिट्रेट थ्रू वॉल्स मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द रिसीवर प्लेस्ड इनसाइड बिल्डिंग्स। माइक्रोवेव जो हैं वो एक तो ये यूनिडायरेक्शनल होती हैं, ये मोस्टली जो है इनको मोबाइल फ़ोन टावर्स वाले इस्तेमाल करते हैं। इसका एडवांटेज तो ये है कि इंटरफेस इसका जो है वो मिनिमाइज़ किया गया है बहुत ज़्यादा, लेकिन डिसएडवांटेज इसका ये है कि इसके लिए हमें जो है वो हाई माउंटेड एंटीना इस्तेमाल करने पड़ते हैं कि हम जो है उनकी डायरेक्शनल जो साइट होती है उसको कवर कर सकें। तो ये माइक्रोवेव जो हैं वो थोड़ी सी उससे आगे की टेक्नोलॉजी है। रेडियो वेव्स के बाद माइक्रोवेव्स, उसके बाद है इंफ्रा रेड। इंफ्रा रेड वेव्स जो होती हैं ये 300 GHz से लेके 400 100 THz तक होती हैं, और इनको शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लीस्ट इंटरफेस जो होता है बिटवीन टू सिग्नल, इनके दरमियान कम से कम जो है वो लीस्ट जो इंटरफेस होता है, जैसा कि आप का टीवी का रिमोट है उसके अंदर इंफ्रा रेड लाइट्स हैं, ठीक है, तो आप जो है वो ज़्यादा लंबे डिस्टेंस से उसको जो है वो चैनल्स को मूव नहीं करा सकते या उसकी वॉल्यूम अप डाउन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इंफ्रारेड जो है वो ये शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद काफ़ी आपको ट्रांसमिशन मीडिया के हवाले से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई एम्बिगिटी होगी तो आप ग्रुप के अंदर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि इस सीरीज से आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। अगली वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।